नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद की स्पेशल टीम ने 18 ग्राम हेरोइन के साथ पुलिसकर्मी के लड़के को काबू किया। गांव बड़ोपल का रहने वाला है पकड़ा गया आरोपी विनोद कुमार। गांव खैराती खेरा से अमरजीत से लेकर आया था 18 ग्राम हेरोइन की सप्लाई। विनोद के पिता महावीर हिसार पुलिस विभाग में ASI के पद पर तैनात हैं। पुलिसकर्मी का नाम आने के बाद दबाव में काम करती नजर आ रही थी पुलिस। आरोपी की पिता की पहचान को छुपाने का किया जा रहा था प्रयास। विनोद कुमार को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर कोर्ट ने उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। मामले की जानकारी देते हुए केस इंचार्ज हरदयाल सिंह ने बताया कि विनोद स्कूटी पर हेरोइन सप्लाई लेकर के जा रहा था। पुलिस की स्कूटी की तलाशी ली गई तो मौके से 18 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। जब विनोद के पिता के संबंध में जांच अधिकारी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें पता चला है कि एक पुलिसकर्मी का बेटा है। वह इस मामले की जांच कर रहे हैं कि विनोद के पिता कहां पर तैनात हैं। पल पल फैजाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। कल शाम को एंटी नार्कोटिक सेल ने गश्त पर जा रहे थे, स्कूटी पर जा रहा था तो ये एकदम पुलिस पार्टी को देख के रुक के भागने लग गया। पुलिस पार्टी ने इनको पकड़ लिया मौके पर और इनसे 18 ग्राम हेरोइन बरामद की स्कूटी सहित। तो क्या पहचान हो पाई है युवक की? युवक विनोद कुमार है, ये बड़ोपल गांव का रहने वाला है। तो इसके फादर वगैरह पुलिस में कोई ऐसी भी कोई सूचना है? हाँ, मैं अभी सुने अभी पुलिस में, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कहाँ ड्यूटी है। क्या बताया पूछताछ में, कहाँ से लाया था सर ये? ये अमरजीत है खैराती खेड़ा का, उनसे ले गया था। तो क्या कीमत है सर इसकी, हेरोइन की? इसकी कीमत लगभग बाजार में 36,000 के करीब है। तो जिससे लाया था उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? उसके खिलाफ अरेस्ट करेंगे उसको। क्या नाम है जी आपका? हरदयाल सिंह।